वहीं न्यूज वन इंडिया ने अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। इसको लेकर दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मिशन दरगाह पे लगे हमारे साथ बात करने के लिए है इस समय दानिश भाई। दानिश भाई, अब मिशन दरगाह पे भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। देखिए, हमारा फोकस मुसलमानों का डेवलपमेंट है और आम मुस्लिम समाज इसको इनकरेज करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, इसी लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा था, यह कहे इंडियन जो गठबंधन, वो कहती है कि आपका दोहरा चरित्र है बीजेपी का मुसलमानों को लेकर। देखिए, मुसलमानों के मन में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और ये विश्वास हमने ईमानदारी से धरातल पे काम करके हासिल किया है। आज मुसलमानों का सच्चा डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दानिश आजाद अंसारी, बताए थे कि डेवलपमेंट अगर कहीं हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की मोदी और योगी सरकार के द्वारा हो रहा है और आगामी कार्यक्रम में माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत आम मुसलमानों तक पहुँचने की कवायद करेगी उत्तर प्रदेश की बीजेपी। वीडियो लिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इन इंडिया, लखनऊ। मिशन